ये जनता ने जो जनादेश मुझे दिया जनता ने, वो ये दिया है कि एनडीए के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई में लड़ूंगा। लेकिन मुझे ये शिकायत है कि इंडिया एलायंस की बैठकों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कहने पे जानबूझ के मुझे अपमानित किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो अकेला ही चला था, आगे भी हिम्मत रखता है, ताकत है मेरे अंदर, पूरी फौज खड़ी है मेरे साथ राजस्थान की, हर विकट विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। और मुझे सौभाग्य इस बात का मिला कि अपनी पार्टी बना के मैं लड़ा हूँ राजस्थान में। बड़े बड़े धुरंधर मैंने देखे कि दूसरों को पोस्टर लगा घूम रहे, जो बड़े बड़े नेता बयान दे रहे ना कांग्रेस बीजेपी के, इनको पूछो कि खुद निर्दलीय अलग पार्टी बना के 5-5 हज़ार वोट नहीं है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मैं इंडिया एलायंस के साथ हूँ और आजकल के अंदर मैं दिल्ली जाऊंगा जब भी अब आवश्यकता पड़ेगी। कल शाम को इन लोगों ने सॉरी फील भी किया कि भाई चूक हो गई हम लोगों से। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपको एनडीए ने आपसे संपर्क किया है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी ने बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में, भाजपा के एक बड़े नेता ने और बयान दिया कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में, तो क्या वास्तव में संभव है कि एनडीए में जा सकते हो? वो सीपी जोशी ने ये बयान दिया होगा कि संपर्क में थे जब मैं एनडीए में था। अब तो सीपी जोशी से बात हुई, पता नहीं कितना समय हो गया लंबा, मेरा एनडीए छोड़ने के बाद काहे को संपर्क में रहूंगा। और मुझे सत्ता में रहने का शौक होता तो किसानों के लिए ठोकर मारी सत्ता को। अग्निवीर मेरा मुद्दा है, इसको लेके जैसे ही शुरुआत होगी लोकसभा के अंदर, मजबूती से अग्निवीर खत्म कराने के लिए प्रयास करेंगे, जोरदार ढंग से घेरेंगे, बॉर्डर जाम करना होगा तो करेंगे, प्रयास करेंगे, मेरे प्रयास जारी रहेंगे। मैं कोई देखिए